वर्ल्ड कप हारने के एक घंटे बाद रोहित का आया ऐसा बयान पूरा देश सुनता रह गया। किसी को यकीन नहीं हुआ रोहित हार के बाद ऐसा बोलेंगे, विराट भी देखते रह गए। 6 विकेट से वर्ल्ड कप हारने के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने कैमरे पर बोली बड़ी बात। वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया। लगातार 10 मुकाबले जीतकर फाइनल में अपनी जगह बनाने वाली टीम इंडिया को इस मैच में करारा झटका लगा। करोड़ों भारतीय फैंस की उम्मीद थी कि रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम इंडिया 12 साल बाद आईसीसी ट्रॉफी को अपने नाम करेगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय प्रशंसकों के सपने पर पानी फेर दिया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम स्कोर पर केवल 241 रनों का लक्ष्य खड़ा कर पाई, जिसे बड़ी आसानी से ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट से अपने नाम कर लिया। वहीं वर्ल्ड कप में मिली हार के बाद भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का भी बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि परिणाम हमारे अनुकूल नहीं रहा और हम जानते हैं कि हम आज अच्छा नहीं खेले, लेकिन टीम पर गर्व है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ईमानदारी से कहूं तो 20 से 30 रन और होते। मैंने सोचा कि जब केएल राहुल और विराट बल्लेबाजी कर रहे थे उस समय हम 270 से 280 का स्कोर देख रहे थे और हम लगातार विकेट खोते रहे। ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट खोने के बाद बड़ी साझेदारी की। बोर्ड पर 240 रन के साथ हम शुरुआती विकेट चाहते थे, लेकिन इसका श्रेय ट्रेविस हेड और मार्नस को जाता है। उन्होंने हमें खेल से पूरी तरह से बाहर कर दिया और मुझे लगा कि रोशनी में बल्लेबाजी करने के लिए विकेट बेहतर है। मेरा मतलब है कि हम जानते थे कि रोशनी में बेहतर होगा, लेकिन हम इसे कोई बहाना नहीं बना सकते। हमने अच्छी बल्लेबाजी नहीं की, लेकिन बड़ी साझेदारी करने के लिए मध्य क्रम में उन दो लोगों को श्रेय जाता है। आपको बता दें, इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने मिलकर 30 रनों की साझेदारी निभाई। मिचेल स्टार्क ने भारत को पहला झटका दिया। उन्होंने शुभमन गिल को 4 रनों के स्कोर पर चलता कर दिया। इसके बाद रोहित शर्मा ने कुछ आक्रामक शॉट जरूर खेले। उन्होंने 47 रनों का योगदान दिया, जबकि विराट कोहली ने 54 रनों की पारी खेली। इसके अलावा श्रेयस अय्यर ने 4 रन, केएल राहुल भी 107 गेंदों में 66 रन बनाने में कामयाब रहे। इसके अलावा रविंद्र जडेजा ने 9 रन बनाए, सूर्य कुमार यादव ने 18 रन। फाइनल मुकाबले भारत का बल्लेबाजी विभाग ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी के आगे संघर्ष करता दिखाई दिया, जिसकी वजह से टीम ने 10 विकेट खोकर 240 रन बनाए। वहीं 10वें ओवर के दौरान रोहित शर्मा मैक्सवेल की शुरुआती 2 गेंदों में 10 रन जोड़ चुके थे। उन्होंने पहली गेंद पर छक्का और दूसरी पर चौका जड़ा। इसके बाद रोहित शर्मा एक और छक्का मारने के प्रयास में कैच आउट हो गए, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया टीम ने भारत पर अपना शिकंजा कस लिया और यहां से मैन इन ब्लू मैच में वापसी नहीं कर सकी। रोहित की गलती भारत के वर्ल्ड कप चैंपियन बनने में बड़ी बाधा बन गई। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों का दबदबा देखने को मिला। घातक गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने अपने 10 ओवर के स्पेल में 55 रन देकर 3 भारतीय बल्लेबाजों को अपना शिकार बना। इसके अलावा जोश हेजलवुड ने भी 10 ओवर में 60 रन खर्च किए और 2 विकेट हासिल किए। वही कप्तान पैट कमिंस ने भी किफायती गेंदबाजी की। उन्होंने अपने 10 ओवर के स्पेल में 34 रन देकर 2 विकेट चटकाए। इसके अलावा मैक्सवेल और एडम जंपा ने एक एक विकेट झटका। तो आप भी रोहित शर्मा के इस बयान पर अपनी राय दीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।